हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 200 ml कोकोनट ऑयल हेवी हेयर ऑयलिंग शेयर करने वाली हूँ। सो यस, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे न्यू आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। सो इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी है। बस 200 ml कोकोनट ऑयल अपने बालों में लगाना है, दिखाना है। ये वाला मैं यूज़ करने वाली हूँ कोकोनट ऑयल, यही वाला यूज़ करने वाली हूँ। इसकी 2 बॉटल्स है मेरे पास, सो यू कैन सी। और ये जो है 100 ml का ही आता है, आप देख सकते हो 100 ml। और ये कोकोनट ऑयल है, प्योर कोकोनट ऑयल। तो ये एक ये बोतल है मेरे पास में, और ये बोतल है, 2 बॉटल्स पिक है, एकदम प्योर रही है, देख सकते हो। ये देखिए, आप दूसरी वाली भी देख सकते हो इस तरीके, यू कैन सी। तो दोनों बोतल यूज करने वाली हूँ, 200 ml हैवी ऑयल। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आप देख सकते हो मैंने अपने बालों को जो है ओपन कर लिया है अच्छे से। एक्चुअली मैंने पहले जुड़ा बना रखा था, तो अब मैंने अपने बालों को ओपन कर लिया है। और अब जो है मैं अपने बालों में ऑयलिंग करने वाली हूँ 200 ml कोकोनट ऑयल, 100 ml। ओ माय गॉड, तो कोकोनट ऑयलिंग करेंगे, अब स्टार्ट हो चुका है। आप देखिए, एंजॉय कीजिए गाइज। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि ये वीडियो बनाते टाइम मेरी जो है मतलब आगे आप देखेंगे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा क्या प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब ये बहुत ज़्यादा हैवी होगा। हाँ, 100 ml तक तो ठीक था, लेकिन 200 ml का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, तो अप्लाई करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। खैर, अभी जो भी है चलता है, आप लोगों की डिमांड पे तो मुझे करना ही होगा। अगर आप लोग और भी इस तरीके की वीडियो चाहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं और मुझे बताते हैं कि आपको किस टाइप की वीडियो देखनी है। तो यस, अगर आप लोगों को फ्यूचर में भी इस तरीके की वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैंने जो है पहले अपने ऐसे मसाज किया था अपने बालों में, और उसके बाद में जो है मैं अब डायरेक्टली अपने बालों में सीधा बॉटल से ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं हाथ से ऐसे धीरे धीरे लगाती रही ना तो शायद ये 2 दिन तक भी तेल ख़त्म नहीं होगा। तो यह मैंने अब डायरेक्टली लगाना स्टार्ट कर दिया है, और आप देखते रहो लास्ट में जो है बालों में ऐसे लगेगा जैसे मैंने अपने बालों को वॉश किया हो। वॉश भी नहीं किया होगा, क्योंकि वॉश करने के बाद में तो बाल एकदम अच्छे लगते हैं, लेकिन इससे तो भरा भारी भारी हो गए थे, पता नहीं अजीब सा फीलिंग हो रहा था। सो अभी आप देखिए, और यस, मैं आपको कुछ देर के बाद में मिलती हूँ। सो गाइज, यहाँ पे अभी जो है एक बोतल पूरा ख़त्म हो चुका है, 100 ml हमारा यहाँ पे लग चुका है। तो अभी से जो है हमारे बालों में ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी वॉश किए हैं, पानी जैसे लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी से हेयर्स हो चुके थे इस टाइम तक। और फिर भी अप्लाई तो करना ही है, अभी तक 1 बोतल और अप्लाई करना है, और अभी से ऐसा लग रहा है कि अब आगे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी अप्लाई करेंगे। और या आप लोग वीडियो में एंड तक बने रखिएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो आगे ही होने वाला है, लास्ट में ही होगा। सो या इसके बाद में जो है ये मसाज किया, क्योंकि मतलब बालों में एंड तक जो है ऑयल टपक रहा था, तो इसलिए मैंने जो है स्कैल्प में इसको भेजने के लिए इस तरीके से किया। और अब जो है मैं सेकेंड बॉटल ओपन करने वाली हूँ, तो ये एक बॉटल यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और ये मैंने अपने बाल हैंड में जो है दूसरी बोतल ली है। यस, एक्चुअली आप देख सकते हो ये वाली,
तो ये सेकंड बॉटल है, अब मैं ओपन कर रही हूँ आपके सामने ही, और अब मैं इसको अपने बालों में लगाने वाली हूँ। मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि मेरे बालों में इतना ऑयल पहले से लगा हुआ, अब मैं ये वाला ऑयल कहाँ पे यूज़ करूँगी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैं इस बोतल को पूरा यूज़ करने वाली हूँ। गाइस बिल्कुल भी डरिए मत, मैं ये पूरा यूज़ करके दिखाऊंगी 100%। आप एंड तक देखते रहिए और आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि मैंने अपने बालों में इतने से छोटे से बालों में इतना सारा ऑयल यूज़ कर लिया है। सो या अभी जैसे बाल धो रही हूँ ऐसा लग रहा है। ओके तो इस तरीके से मैंने जो है अपने बालों में इसको अप्लाई कर लिया है। अब मैं थोड़ा कैमरे के पास में आई हूँ ताकि आप लोग बहुत करीब से देख पाएंगे कि ऐसे भी बाल मेरे फेस पे भी ऑयल आने लगा था, इतना ज़्यादा ऑयल हो गया था हेयर्स में कि मतलब फेस पे भी आने लग गया था। तो बस अभी आप यहाँ से देखिए और फिर जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे आपको कुछ भी बोल के एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो मैं वहाँ पे ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगी। बट यस, आप देख सकते हो कि गाइज यहाँ पे मेरे फेस पे जो है ऑयल आने नहीं लगा है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है वीडियो को फास्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न हो। तो यस फटाफट से देखिए, और यस ये आप देख सकते हो इतना ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है ना गाइज कि बिलीव नहीं कर पाएगा कोई भी। और अभी तक आधा बोतल लगा है और मेरी बालों में आगे मतलब कुछ भी लगाने जैसा रहा नहीं है, बट फिर भी मुझे लगाना है। मुझे जो है चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो पूरा एक्सेप्ट करेंगे, और अगर नहीं करना था तो बिल्कुल भी नहीं करना था, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया है तो अब पूरा ही ऑयल लगाऊंगी चाहे कुछ भी होगा। अभी होगा जो होगा, हम तो अप्लाई करेंगे पूरा का पूरा ऑयल। ओके तो अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस ये जो ऑयल है या नाक तक आने लग गया है, तो अभी जो है मैं इस तरीके से इसको रिमूव करने की कोशिश कर रही हूँ अपने फेस पर से। और आप देख सकते हो दूसरी बॉटल भी मैंने पूरी ख़त्म कर दी है, अभी इसमें थोड़ा सा मामूली सा ऑयल रहा है तो मैं उससे भी निकाल लेती हूँ बॉटल में, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैंने थोड़ा सा भी मिस किया है। पूरा मैंने 200 ml अपने बालों में यूज़ किया है, आप लोग देख सकते हो आपके सामने मैंने पूरा यूज़ किया है। और अभी आप मेरे बालों की हालत भी देख सकते हो, देखिए मेरे दोनों बोतल जो है मैंने खाली कर दी है और आप देख सकते हो। यस तो इस तरीके से आप घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए ऐसा, मतलब इसको निकालना वालों से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बाद में जब आप निकालोगे ना तब आपके प्रॉब्लम होती है। मैंने जब इसको रिमूव किया तो मुझे कम से कम मैंने अपने बालों को 10 बार धोया है तब जाके इतना सारा ऑयल अपने बालों से निकाल पाई थी। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी घर पे ट्राई मत कीजिए, एक चैलेंजिंग वीडियो था इसलिए मैंने किया है, बाकी आप लोग घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए इस तरीके से, कुछ भी मत करना। तो यस आई होप कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। और हाँ, मैंने इसके बाद में जो है ये भी बोलने की कोशिश की है, जैसे कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल मैंने भी यहाँ पे जो ओरिजिनल वॉइस थी उसको बंद कर दिया है क्योंकि उसमें कुछ और वॉइसेस थी। सो गाइज आपको पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।